वेलकम बैक टू द प्लांट कोच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मानसून सीज़न में आप जो देख रहे हैं, ये नर्सरी विजिट है मेरी। ये ट्रायंगुलर हार्ट फाइकस, सफलेरा हार्ट फाइकस, ये पाम। तो आज दोस्तों अपन इस वीडियो में काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के पौधे देखेंगे, खूब सारे। जो ये मेरे शहर की लोकल नर्सरी है, उसके अंदर अपन बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे देखेंगे। जैसे ये पाम का पौधा है, रेयरली मिलते हैं हमारे यहाँ पर, इतने जनरल पौधे नहीं है यहाँ पर। डबल चांदनी, सिंगल चांदनी, मधुकामनी, मधुमालती, पाम की बहुत सारी वैरायटी, टेबल टॉप प्लांट्स, पाम की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे रबर प्लांट है, ये काफ़ी फेमस है डेकोरेशन में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स, ऑफिस में काफ़ी यूज़ होता है ये फर्न। जो आप ये इस तरह के जो पौधे हैं अपन इस वीडियो में देख रहे हैं आज, काफ़ी सारे अपने पौधे। क्रोटोन जो है काफ़ी अलग अलग वैरायटी में आता है, जैसे ये लिली है। ये पाम की कुछ वैरायटी छोटे बड़े साइज़ में जो यहाँ पे अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्रिसमस ट्री, और ये जो है मनी प्लांट बिग लीफ में अवेलेबल है, मोसी स्टिक लगी हुई है साथ में। ये पाम की वैरायटी है, छोटी वैरायटी है ये। और ये लेडी पाम, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और काफ़ी अच्छा चलता है। ये गंधराज का पौधा, मैंने काफ़ी ट्राई किया हुआ इसको, लेकिन मेरे सक्सेस नहीं हुआ कभी। और ये फाइकस की अगेन अलग वैरायटी है, फाइकस बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ईजी टू ग्रो प्लांट है ये हकीकत में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पीस ले लिया, वाइट कलर का फ्लावर आता है छोटा सा। और ये अगेन एक आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सी जो वैरायटी है। और ये कुछ स्नेक प्लांट और सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट हैं, ये एक्जोरा के प्लांट हैं। एक्जोरा में लाल, पीला और गुलाबी कलर मिलते हैं, ये फाइकस की वैरायटी है। वेरिएटेड फाइकस आते हैं काफ़ी सारे। क्रोटोन की खूब सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको किसी भी नर्सरी में। ये रेड मचेरा है इसमें, और ये क्रिसमस जिसको अपने बोलते हैं, ये दोस्तों लगभग 120 से 50 रुपए के बीच में, और बाकी 350 से 400 के बीच में। और ये कुछ फ्रूट के प्लांट यहाँ पे अवेलेबल हैं, नींबू, आम, मौसमी। और ये सफलेरा का प्लांट काफ़ी अट्रैक्टिव है, दोनों कलर में अवेलेबल है यहाँ पर। और ये दोस्तों आपने काफ़ी इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा होगा, फिडल लीफ फिग का प्लांट है। और ये जो है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। और ये फिग अंजीर का पौधा है जो यहाँ पे अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। मैंने दो बार ट्राई किया है लेकिन अभी तक सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस बार भी ट्राई करेंगे अपन इसको। और ये आप देख रहे हैं अशोक के, नींबू के बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये जहाँ जो यहाँ पर फ्रूट प्लांट अवेलेबल हैं वो सारे क्राफ्टेड हैं। ये डेफन बेचिया काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है, ये लगभग 120 से 150 की रेंज में आपको मिलेंगे कहीं भी, किसी भी जनरल जो नर्सरी है वहाँ पे भी आपको ये प्राइसेस मिलेंगी। और ये आप देख रहे हो जो चंपा है, और मधुकामनी है। मधुकामनी में पुना की और देसी वैरायटी, दो अलग अलग वैरायटी आती है, अलग अलग साइज़ पे डिपेंड करता है प्राइसेस, 50 से लेकर 150 रुपए के बीच में। और ये केले की कुछ वैरायटी हैं। और ये आप मधुकामनी देख रहे हैं, ये देसी है। और ये जो आप देख रहे हैं मोरपंखी, और ये काफ़ी सारे जो प्लांट्स है वो हार्डी प्लांट है, जिसमें पाम की कुछ वैरायटी हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। और ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये छोटा है लेकिन फिर भी अच्छा है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की बेस वैरायटी है जो एकदम ग्रीन होती है वो है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की। अलग अलग सॉन्ग ऑफ इंडिया की 3-4 वैरायटी आती हैं जो जनरली मिल जाती हैं। ये चीकू का पौधा है, चीकू, आम, मौसमी, नींबू की अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सभी नर्सरियों में अवेलेबल है इस समय। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्जोरा है, मिनी एक्जोरा, छोटे फूल आते हैं, बुशी प्लांट रहता है, 100-150 रुपए के पास बीच में ये प्लांट मिलता है आपको सभी जगह पे। ये क्रोटोन की अलग वैरायटी, फिर से आप बड़े पत्तों में देख रहे हो, ये केले की वैरायटी साथ में। ये अपराजिता और मधुकामनी की कुछ वैरायटी, ये पोथोज। और ये जो केली बोलते हैं हमारे उसको नॉर्मली, वो है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जाम्बिया पाम, ये भी काफ़ी हार्ड वैरायटी है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की कुछ छोटी वैरायटी हैं। और ये एक अलग सा वेरिएटेड सा डेविल्स बैग के जैसा पौधा था, ये टेबल टॉप टेबल टॉप चांदनी है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट होता है, छोटा सा, 1 फीट के पास में हाइट होती है। ये आपने सभी होटल्स वगैरह में देखा है, पीले और लाल फूलों में, ये बेल वाला पौधा है, नाम इसका मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। और काफ़ी सारे फ्रूट के प्लांट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि बरसात भी हो रही है, कई जगह बरसात कम भी होने लग गई है। और ये आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास टी का प्लांट है, लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं, पत्तों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है,
मोर पंखी अलग अलग साइज में डेकोरेशन में काम आते हैं, ये मधुकामनी और मधुमालती और झुमका बेल जिसको बोलते हैं वो। ये अपराजिता की बेल देख रहे हो, अपराजिता में पिंक, ये पिंक और ब्लू काफ़ी है, ये आजकल चलन में काफ़ी। और ये जो दोस्तों आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हो वो सभी नर्सरी पे आपको जनरली अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ये पारिजात हार श्रृंगार का पौधा, ये आप वापस जाम्बिया पाम देख रहे हैं, ये बड़ी हाइट में है काफ़ी। एग्जोरा, रेड मचेरा, क्रिसमस, अलग अलग साइज़ में आपको सभी जगह मिल जाएंगे। और ये पानी में लगाने वाले बैम्बू हैं, जो आपने काफ़ी सारे जो अर्बन गार्डन में करते हैं, ये पान की बेल है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव बेल है। यहाँ पे मैंने पत्ता खा के देखा था, हकीकत में अच्छा टेस्ट आता है। अंजीर मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, पीस ले लिए यहाँ पे। ये इसमें बैम्बू, लकी बैम्बू प्लांट्स भी हैं, जेड भी है, और ये रजनीगंधा के प्लांट्स हैं जो बल्बस प्लांट होते हैं। ये फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं, हालांकि ये बल्बस प्लांट होते हैं, बहुत हार्डी रहते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते। और ये पाम की फिर से एक वैरायटी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पास की नर्सरी विज़िट कीजिए और कुछ अलग अलग पौधे लेके आइए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।